शो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निकल टिप्स इंडिया में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला फ्रेंड्स कि आपका कोई भी ऑडियो सॉन्ग्स जो भी है बहुत ही ज़्यादा एमबी का है तो उसको हम कैसे कम एमबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ, आपको इस वीडियो के अंदर प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर नए आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर हर रोज़ लाता रहता हूँ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप का नाम है फ्रेंड्स MP3 कंप्रेसर। ओके फ्रेंड्स, इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो को देखने बाद। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैं अपना सॉन्ग से दिखा देता हूँ कि जो मेरा सॉन्ग से जो है कितना एमबी का है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अपना फाइल ओपन कर लेता हूँ और जो है उस सॉन्ग से मैं जो है एसडी कार्ड में रखा हूँ, तो मैं अपने फोल्डर में जाकर दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला गाना है सॉन्ग, इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ जो है डिटेल के ऑप्शन में क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है 35 MB का है। तो इस सॉन्ग्स को जो है फ्रेंड्स मैं कम MB में करना चाहता हूँ, तो कैसे करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो है अपने ऐप को डाउनलोड करके इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए इस ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही इस ऐप को ओपन करेंगे फ्रेंड्स, कुछ अच्छा पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा, MP3 कंप्रेसर पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट म्यूजिक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, जितना आपके फ़ोन में ऑडियो सॉन्ग से यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आपका ऑडियो सॉन्ग नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप सर्च भी करके अपना ऑडियो सॉन्ग मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका सर्च में भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको ट्रैक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर सबसे लास्ट में देख सकते हैं फोर्थ नंबर पर एक फोल्डर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, जितना आपके फ़ोन में फोल्डर बना हुआ है फाइल्स में, यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो जिस फाइल में आपका सॉन्ग है उस फोल्डर का आपको सेलेक्ट करके उस गाने को सेलेक्ट कर देना है। तो चलिए इस गाने को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। इस गाने को तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको क्लिक करके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, कुछ ऐसा पेज फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 256K बीट पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ 128K बीट पर। ओके फ्रेंड्स, आपको 256K बीट पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर MP3 कंप्रेसर पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो जो है आपका जो है ऑडियो सॉन्ग जो है कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद इस ऐप का जो है एक फोल्डर भी बन जाएगा, मैं इस फोल्डर को ओपन करके आपको दिखा दूँगा कि ये जो मेरा फाइल से सॉन्ग से जो है कितना MB का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपने चैनल पर हर रोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अभी प्रोग्रेस में चल रहा है दोस्तों ये मेरा सॉन्ग से, तो इस वीडियो को मैं स्टॉप कर देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये जो आपका जितना बड़ा गाना है जितना मिनट का, उतना समय आपको इसमें लग सकता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टॉप कर देता हूँ, फिर इसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा आपको फोल्डर को ओपन करके। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा सॉन्ग से कन्वर्ट हो गया है, तो कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, मैं आपको प्ले स्टोर प्ले करके दिखा देता हूँ इस सॉन्ग को। आप सभी को राहुल जी की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक। तो दोस्तों, मैं अपने फाइल में आपको दिखा देता हूँ ओपन करके कि ये जो मेरा सॉन्ग से कितने MB का हो गया है। तो मैं अपने डिवाइस की स्टोरेज में चला जाता हूँ और एक फोल्डर बन जाता है दोस्तों MP3 कंप्रेसर। तो इसे इस फोल्डर को मैं ओपन करके आपको इसका साइज जो है ओपन करके दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो मेरा साइज है 2.51 मतलब 3 MB का ये मेरा है। तो फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, आपने देखा आपने दोस्तों कितना सिंपल था आपने अपने कोई भी ऑडियो सॉन्ग को 3 MB में कन्वर्ट करना। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो जरूर आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर हर रोज लाता रहता हूँ आपके लिए। तो आज के वीडियो बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।